हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर टू दैट इज़ मेजरमेंट एंड यूनिट्स इसमें हम लोग लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट कर चुके हैं हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला मालूम है कैसे बनाते हैं फॉर एग्जांपल, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है हमको पता है कैसे बनता है है न वो है एल या फिर हम इसको एम एल टू टी ज़ीरो ऐसा भी लिखते हैं अब इसके आगे हम लोग कुछ और मेन पॉइंट्स इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस में कंटिन्यू करेंगे एक और डायमेंशन फार्मूला मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम दैट इज़ एल थ्री इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। एक और नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं दैट इज विलोसिटी एल टी माइनस वन और एम जीरो एल वन टी माइनस वन अब हम लोग एक नया पॉइंट इसमें नया एक टर्म समझेंगे जिसका जिसका नाम है डाइमेंशंस डायमेंशंस क्या होता है तो डायमेंशंस इसमें जो पावर्स हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर लगाते हैं उनको हम लोग डायमेंशंस कहते हैं जैसे इस क्वांटिटी में एरिया में लेंथ की डायमेंशंस दो हैं मास की डायमेंशंस ज़ीरो हैं टाइम की डायमेंशंस जीरो है तो डायमेंशंस आर द पावर्स विच आर रेज्ड टू द फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑप्टेन द डेराइव quantity मतलब उन पावर्स को अपन डायमेंशन्स कहते हैं तो पहले अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर इसके एग्जाम्पल से समझते हैं है ना द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल quantity Are the powers which are raised to fundamental quantities to obtain? The derived quantity मतलब वो जो powers हैं the dimensions of a physical quantity are the powers which are raised to fundamental quantities to obtain the derived quantity तो जो powers हम लोग लगा रहे हैं उन्हीं powers को हम लोग dimensions बोलते हैं इसका example हम इसमें देख पा रहे हैं एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है तो इसमें डायमेंशंस इन लेंथ इज़ टू टाइम की डायमेंशन ज़ीरो है मास की डायमेंशन ज़ीरो है और इस तरह से हम वेलोसिटी को भी देख सकते हैं सो डाइमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज़ वन एंड इन टाइम इज़ माइनस वन इस तरह से इसको बोला जाता है अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं डायमेंशंस का उसको कैसे लिखा जाएगा एग्जाम्पल डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर जीरो इन मास वन इन लेंथ माइनस वन इन टाइम हम लोगों ने बारी बारी से पूरी पावर्स बता दी कि वेलोसिटी के डायमेंशन फार्मूले में जो मास की पावर है वो जीरो इन मास है फिर वन इन लेंथ है फिर माइनस वन इन टाइम है तो इस तरह से हम डायमेंशंस मतलब पावर्स के बारे में बात करते हैं जो बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर लगी हुई हैं